दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सुबह सुबह का टाइम है, पहले मैं आया अपने तो परिंदे खोलते हैं हम लोग, तोते वगैरह। देखा भी जैसे मैं ऊपर आया शोर से बढ़ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारे तोते रखे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये भी सही ऐसे ये देख सकते हैं। चलें बाहर चलें, देखें अभी शोर शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं मैं रुकावट लगा देता हूँ यहाँ पे। ये देखें ये बत्तखें वगैरह चिखना शुरू हो गई। अब इसको मैं एक एक करके खोल देता हूँ। ये देख माशाल्लाह, कल सफाई की थी भाई, देखे कल सफाई की थी माशाल्लाह। देखे एक अंडा भी दे दिया, अंडा भी है भाई माशाल्लाह। एक अंडा कल जगह थी नहीं, वहाँ पे गिर गया तो टूट गया, तो ये भी हमें अंडा निकाल लेते हैं। तो भाई देख सकते हैं ये अंडा दिया। अब ये बत्तख का होगा मेरा ख्याल। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा साइज में बड़ा, पहले वाले छोटे थे, अभी इनको भी हम ब्लैक वाले को खोल देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई ये हमारे बटेर हैं, बटेरों को मैं अभी नहीं खोलूँगा क्योंकि भाई इसमें एक हमारी बटेर उड़ गई थी, तो भाई भाई ने मुझे बहुत डांटा। दाना डाल दूँगा तो भाई इनको दाना पानी दे देंगे, लेकिन इनको अभी बंद रखेंगे। देखने को ये छोटे हैं लेकिन ये उड़ जाते हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इनको दाना दे दिया पानी, क्योंकि अभी मैं अगर इसको खोल देता हूँ ना तो ये 100% उड़ जाएंगे। अरे तुम लोग किधर घुस गए, चलो बाहर निकलो, ये तुम्हारा रास्ता को नहीं, यहाँ तुमने को नहीं आना। चलो ये नोवो एरिया है, चलो बाहर चलो। तुम लोग का एरिया सिर्फ ये वाला हिस्सा है, बस इसमें रहना। चलो वहाँ पे जरा होता है ना तोतों का, तो इनको वो खाना होता है। सही। अच्छा देख सकते हैं माशाल्लाह से ये हमारे पौधे देख ले माशाल्लाह कितना खूबसूरत। अच्छा इसको अभी हम दोबारा से सही तरीके से सेटअप करेंगे। ये मुर्गों ने मुर्गियों ने है ना खराब कर दिए गुलाब। ये देखें माशाल्लाह गुलाब देख सकते हैं आप लोग। ये छत पे हमने रूफ टॉप पे बनाया हुआ है, ये माशाल्लाह से देख सकते हैं। ये पौधे देख सकते हैं, ये देखें ये शरीफे का है। तो इसको ये कि अभी थोड़ी सफाई करके, मेरा आइडिया है कि भाई को मैंने ये बोला कि भाई तेज से को है ना सफाई करके यहाँ पे हम मैंने एक बड़ा मास्टर केज बना के उसी के अंदर छोटे छोटे पहले खाने बना देंगे रात में, उसमें खानों में, और दिन भर ऐसे खुला रहेगा। तो दोस्तों हमारी जो प्लानिंग है ना उसमें यही है कि ये जो खाने इनमें हम गेट लगा देंगे, और यहाँ पे एक मास्टर केज बनाए ना, इसमें हम ऊपर गेट और नीचे जाली लगा देना यहाँ पे, ताकि परिंदे इसी में खुले रहें, और रात में जब हो ना तो उनको हम उनके केजेस में बंद कर दें। तो आप लोग भी बताइएगा और कमेंट करके किस तरह से मास्टर केज बनाएं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम नए से नए परिंदे भी आपके लिए ला सकें। बाकी ये हमारा शहनशाह वगैरह भाई माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हो गए हैं, आप शुरू से बच्चे आ रहे हैं उनको, और डकी वगैरह भी। अब ये कि कुछ और परिंदे लाएंगे हम इंशाल्लाह, और अपने पेट्स हाउस में जू में इजाफा करेंगे परिंदों का। भाई शहनशाह तो बहुत अब बदमाश बन गया है, इसको ज़रा सा मैं यूँ करूँगा फौरन काटने को आता है। अभी ये थोड़ा डर रहा है क्योंकि अभी दो बंदे हैं ना, दो बंदे हैं इस वजह से डर रहा है, वरना ये अकेला हो ना बंदा उस पर हमला कर देता है। हमला क्या मतलब खेलता है उसके साथ। अभी देखें यहाँ पे हमारी बजरी पड़ी हुई थी, तो हमने बजरी हटा दी सफाई कर दी। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और दूसरा ये कि ये देखें हमारे जो पीट ट्रैप नहीं होते, ये जो वॉशरूम वगैरह में इस्तेमाल होते, तो मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आया था, तो मैंने भाई से भी मशवरा किया, तो हमने इसको ना पॉट बना लिए, गमले बना लिए। तो अब आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कैसा लग रहा है आप लोग को। तो हमारे पास और भी एक्स्ट्रा रखे हैं, तो हम चाह रहे हैं उसको भी ये रखे हुए नीचे, इनको भी है ना एक साइड से बंद करके फिर इनको गमले बना देंगे, तो फिर हम यहाँ पे रख देंगे जैसे ये हमारे पौधे लगे हुए, फिर इनको पूरा सफाया करके। और एक मैं सोच रहा हूँ ये बांस रखे हुए, इसको ऐसे तिरछा रख के क्रॉस में, और ताकि एक झुग्गी टाइप बना दें, थोड़ा देहात वाला माहौल आ जाए ना यहाँ पे। और ये जो जगह है यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि ना बकरे लाएँ, बकरे रखेंगे यहाँ पे सफाई करके, तो रात में उधर अंदर बंद कर दिया करेंगे, और दिन में ना यहाँ बाहर रख दिया करें, ताकि रोशनी में वो खेलें कूदें। तो दोस्तों जो रानी है वो यहाँ पे आके अंडा देती है, आप लोग को बताया भी था कि कल एक बजरी जो बुरी थी ना वो गिर गई, तो उसमें ही वो आके ना अंडे दे रही थी, उसमें इस तरह से जगह बनाई हुई थी उसके अंदर, और अंडे दे रही थी, तो कल गिर गई बजरी, फिर हमने कल उसको समेट दिया और अंडे उठा के रख लिए थे। तो फिर हमने ये डलिया लगाई, लेकिन अभी सेट नहीं हुई है ना, तो कल उसने अंडा दिया था, तो यहाँ पे फिर वो गिर गया ना और ज़ाया हो गया फिर वो। ये देखिए कि इसके लिए हम यहाँ पे एक सेटिंग कर देते हैं, लेकिन ये जगह प्रॉपर नहीं है, क्योंकि रात में तो ये खुला रहेगा और ओस भी गिर सकती है यहाँ पे, बारिश भी हो सकती है, तो उसको कोई जगह बना के देते हैं हम जहाँ पर हम उसके अंडे जमा कर सकें और वो भी ईजिली अपने एग ले कर सकें।
राजा और रानी माशाल्लाह से खाना खाते हुए, वो देख डक्की की फैमिली घूम रही है। ये हमारे नए हैंस आ गए और अंडा की पानी में गया। चलो ये माशाल्लाह खाते हैं तो ये पानी भी पीते हैं लाजमी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से सिंड्रेला, जैस्मीन, डकी और टीकू। पहले टीकू इनसे डरता था, इनके साथ नहीं रहता, लेकिन माशाल्लाह से अब जब हमने इनको एक साथ एक कमरे में छोड़ा है तो एक दूसरे को पहचानने लग गए माशाल्लाह से। तो अभी देखें मैं उधर जा रहा हूँ, ये हमारा जो शहंशाह है उसको थोड़ा गुस्सा आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। ये देखिए देख सकते। चलें दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो में इंशाल्लाह। एक तोता कहाँ था, देखते हैं क्या कहाँ गया। किसका वाला, इसका वाला। अच्छा इसका अच्छा। तो था मेरे हाल में एक तोता कम है और सेटिंग। हाँ ठीक है, एक तोता कम है। हाँ वो रेड आई वाला ना। हाँ पीला कलर वाला। हाँ वो तुम्हें मैं बताना भूल गया था, परसों चुआ नहीं हम लोग जो नमाज पढ़ने जा रहे थे फजर की, सीढ़ियों से उतर रहा था, हमें वो नाक चढ़ा के जा रहा था जब तुम लोग सोते रहो, मैंने तुम्हारा तोता काले कलर का। हाँ काले कलर। जब हम फिर मैं आया था सुबह तो देखा तो उसने यहाँ पे हमारे तोता चिपका हुआ था जिसको उसने खा लिया था। तो भाई इसलिए हमें इसको बहुत केयर करनी पड़ी। ये देखें यहाँ पे हम रुकावट लगा देते हैं ये चूहा ना आए। ये रुकावट लगा देते हैं, यहाँ से निकल जाता चूहा। चूहा बेसिकली ऊपर से नहीं आता, ये सीढ़ियाँ है ना यहाँ से ऊपर आता है बिल्कुल नीचे फ्लोर से। हाँ बिल्कुल बाहर से, यानी कि बाहर गेट से आता है। हमने दरवाजा भी लगा दिया, उसको भी अभी हम पैक कर लें, फिर इस जगह को पैक कर लें ताकि। ये हमने फिशर के लिए किया था इसलिए हम फिशर ऊपर लाएंगे ना फिर। हाँ कि भाई खतरा है तो अभी हमने फिशर को उनकी जो पुरानी जगह वहीं पर रखा हुआ। सही। बाकी ये जितना भी सामान आपको आसपास नजर आ रहा है तो भाई ये भी सारा साफ हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, ताकि फिर हम इसमें पूरा एक अपना क्या नाम है परिंदों का सेटअप इधर कर देंगे, बाकी मुर्गी वगैरह हो गए डक वगैरह वो बाहर रखेंगे, ताकि अगर कोई परिंदा उड़ता भी है तो वो यहीं रहेगा कहीं जाएगा। तो हम पैक कर देंगे इसको भी सही तरीके से, पैक कर देंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी ये आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि भाई भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, ताकि नए से नए वीडियोस हम आपके लिए लेके आ जाएं। अल्लाह हाफिज़।